सो दोस्तों, अभी मैं गांव में हूँ अपने झारखंड में, और आज वाम फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। और तापमान वही सेम है, बहुत ही खतरनाक तापमान है। कितना, कम से कम 44-45 तो चल ही रहा है। और हम चार जने हैं। अभी सबसे पहले अपने को झींगा निकालना पड़ेगा नदी से, और क्योंकि झींगा बहुत पसंद रहता है वाम फिशिंग के लिए। झींगा या तो फिर छोटी मछली आप पकड़ के शिकार कर सकते हो, और ऐसे ही तापमान में कम से कम धूप तो बहुत कड़क का होना चाहिए। और वाम मछली ये टाइम में शिकार करता है वो, जैसे पत्थरों के जो बीच बीच में जो रहते हैं, गैप रहते हैं उसमें, जो दरारे रहते हैं, तो उसमें वो घूम घूम के शिकार करते हैं। तो इसी टाइम में अपने को शिकार करना चाहिए वाम फिशिंग का। और धूप भी अच्छी है, और झींगा निकालते सबसे पहले, और चलते हैं डेस्टिनेशन में। जहाँ पे ज़्यादा पत्थर रहेगा वहाँ पे बाम का ज़्यादा चांसेस रहता है बाम रहने का, और साइज भी अच्छी अच्छी रहती है। तो चलो कंटिन्यू रखते हैं, लगे रहिए है दोस्तों। तो ये हमारा नदी है, और सबसे पहले हम झींगा छानेंगे ये जाली से, और देखते हैं कि झींगा किधर मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है झींगा मिलना यहाँ पे। बाम मिलना तो उतना कठिन काम नहीं है, लेकिन सबसे कठिन है यहाँ पे अपना झींगा मिलना। हाँ, आल तो हम निकाल रहे हैं। आया है लगता है, छोटा छोटा बता। पानी काफी छोटा छोटा है, बहुत ही छोटा छोटा है। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। आप दिख रहा होगा, अभी दिखा, छोटा छोटा है। ये फेंक के ना है, तो जैसे भी ये दो चार जो भी मिलेगा, तो यहाँ से झींगा हम छान के, और झींगा हम छान के यहाँ से निकलेंगे और सीधा डेस्टिनेशन में चलते हैं अपन। वो इसी तरह से हम लोग झींगा निकालते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ का प्रक्रिया देख ली होंगी झींगा निकालने का। वो झींगा निकाल रहे हैं, और बाजार झींगा निकाल रहे हैं, और अब झींगा निकाल के सीधा चलेंगे। थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, 2 से 3 किलोमीटर चलना है, क्योंकि इधर लोगों ने करंट लगा लगा के पूरे बाम को ख़त्म कर दिए है। तो इसके लिए अपने को लंबा जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा घास डाल दिया ताकि उनको लगे कि नदी में है। ना लग रहा ना, नॉर्मल सा फांसा है ये। इसके ये वही नॉर्मल सा फांसा जो अपन मेंढकी वगैरह में भी चलाते हैं, ये फांसा लगा के यही है। इसको होल में डाल के इसको सिर्फ मेंढकी जैसा बांधते हैं, वैसा बांध देना है। ये होगा इजी। और इसमें बांधेंगे अभी अपन कतील शीशा। तो ये शीशा है स्प्रिंग वाला, इसको भी फटाफट ऐसा लपेट के कस लेना है। इतना दूरी तो रखना है उसको, बाम को खेलने का जगह चाहिए। ये अपना गांव वाला फ्लोट जो गांव में नॉर्मली यूज करते हैं, सरकाने वाला, पानी का लेवल जितना रखना रहेगा। ये हो गया, अब इसमें लगाते हैं अपन झींगा। इसको ऐसा लगाना है दूम की तरफ से, हर प्रकार के लगाते, लेकिन मैं दूम की तरफ से लगाता हूँ। कभी बाम है जो आटे की तरफ से ही करता है। तो ये हो गया अपना, और पानी का लेवल देख के अपने को देना है। तो वहाँ से भी जगह है, लेकिन मैं जाऊँगा इधर से। जहाँ भी निकला भाग जाएगा तुरंत। काफी
रेडी कर लिया, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वीडियो पॉज करता हूँ कि यहाँ यहाँ पर लग गया था कांटा और यहाँ से रिटर्न जाना मुश्किल है। तो ये फांसा, ये फ़ायदा होता है कि फांसे से अपना हुक निकाल लो, ऐसा यहाँ से ऐसा निकाल के अपन रख सकते हैं और ऐसा आसानी से खींच सकते हैं। तो इसको रख देते हैं यही झींगे वाले झोले में, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया अपना पहला पीस, अब इसको वापस लगाते हुक यहाँ पे। दोस्तों बाम के लिए ईजी तरीका है यही है कि हुक निकालना बहुत ही भारी पड़ता है, तो ये लगा लिए डबल से। ये देखो दोस्तों, इसमें जो गैप बने रहते हैं ना, गैप, ये जो सुरंग है ये इसमें अपने को डाल के देखना है। अगर ऐसी जगह है तो आपके पास ये इधर देखो, इसमें से डाल के देखना है। देखो यहाँ पे झींगे भी आपको दिखेंगे, झींगे भी दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यही शिकार करने के लिए आता है बाम पीस जो भी रहता है। तो काफ़ी बेहतरीन जगह है, बेहतरीन, जिधर भी देखो पूरे बाम का ही जगह है। अपन पानी में घुस के ये गैप में, इसमें से इसमें, उसमें उसमें, इसको तो खेल सकते हैं अभी। अब भैया लोग उधर गए एकदम आगे, देखते हैं। खेकड़ा पकड़ के अपन यहाँ पे खेकड़ा तराज दे रहे थे, मच्छी रखा था तो डालते हैं। देखो पकड़ लिया उसने, खींच रहा देखो, चलो उठा उठा ना ना लीन, देख इधर देखो, इनको लगाए कितना पानी तुमने, है ना है ना, उठाओ उठाओ, कोई दिक्कत ना, ले लियो ना, डाल फोकरा चालू ना।
खोखरा लगो मुंह ले लेंगे खा ले सामने ऊपर के ये लगी आज, और कम लगने के कारण ये है कि आज धूप नहीं था। धूप रहता तो क्या होता है कि जैसे बारीक झींगे या छोटी मछलियाँ जो है वो जो पत्थर रहते जो चट्टान रहते उसके नीचे जाके रहते धूप के कारण, ठंडा इलाका रहता है वो टाइम में, ये शिकार को निकलते हैं बाम मछली। तो आज मौसम ऐसा था नहीं और ठंडा भी बहुत है, ठंडा मौसम है और हम शाम तक नहीं रुकेंगे। ये इसलिए लिया, ये मांगूर है, ये एक्टिव है पूरा, इसको अपने कुएं में छोड़ना है। इसके लिए तो इतना छोटा ले जाके कोई मतलब नहीं था। तो आज हमारा 1 2 3 4 5 ये टोटल 6।